ये कौन सा डैम है दी? ये है काके डैम। ओके, हम अभी आए हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए, सुबह का टाइम है। ये पूल बना हुआ है ना, सब लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। दी रोज आती है, कितने साल से आ रहे दी? सात आठ साल से। देखिए कितना अच्छा डैम है पूरा, इधर ही पार्क भी है ना, पूरा पहाड़ इलाका है, मस्त। तो हमको भी दिखा दीजिए ऐसे इधर से ऐसा। हेलो, दो मिनट होगा ना तो एरिया का पता चल जाएगा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा ऑफिशियल। और आज हमारे घर बन रहा है कढ़ी, और मैंने कढ़ी का पकौड़ा बना दिया। और सिन्हा जी बहुत अच्छा, देखिए पकौड़ा कैसे सॉफ्ट बनता है। पानी था और इसमें पड़ेगा, तो सिन्हा जी थोड़ा सा पकड़िएगा फोन में, तब तक पानी लेके आती हूँ। दिखाइए कैसे बना, क्या क्या डाले हैं बताइए। इसमें पचफोरन पड़ा है, फिर कड़ी पत्ता पड़ा है, फिर अदरक घिसा हुआ पड़ा है, और लहसुन का पेस्ट पड़ा है, और हरी मिर्च पड़ी है। अब देखिए मैं आपको, सिन्हा जी ना बना रहे कड़ी, लहसुन पेस्ट यहाँ है सिन्हा जी। तो ये पकौड़ा और भुजिया और कड़ी और राइस। सिन्हा जी का थोड़ा सा तबीयत डाउन है, तो हल्का सा काम करेंगे बस। तो ये कढ़ी बहुत अच्छा बनाते हैं, तो आज थर्सडे भी है तो इसलिए कढ़ी बन रहा है। तेज कर दीजिए आज को। देखिए सिन्हा जी बना रहे हैं कढ़ी में नमक अच्छा लास्ट में पड़ता है, मुझे नहीं आता है कढ़ी उतना अच्छा बनाने, इसलिए सिन्हा जी बना रहे हैं। तो हम लोग के घर का खाना बन के हो गया रेडी है, लंच भी जाएगा और देखिए सिन्हा जी बनाएंगे कढ़ी। तो किनके किनके घर कढ़ी बनता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ब्लॉग में बने रहिए, कढ़ी बन जाता है तो दिखाएंगे आपको। आप देख सकते हो कढ़ी बन के हो गई रेडी, कढ़ी और फुलौरी जो बिहार में बोला जाता है। मेरी भी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, गला में पूरा मुझे ठंडा टाइप का लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। तो देखिए कढ़ी हो गई है रेडी, प्याज व्याज थोड़ा थोड़ा है, और पकौड़ा देखो कितना हल्का पकौड़ा है। इसको थोड़ा सा तेज फ्लेम में कढ़ी को ये कर देंगे, उसमें नमक नहीं पड़ा है अभी तक, तो अंदाज से नमक डालेंगे। जैसा कि सिन्हा जी ने ब्लॉग में बताया था कि नमक लास्ट में दिया जाता है, ठीक है। देखिए इसमें कढ़ी फटा नहीं है, दही जो फटता है ना वो नहीं फटा है, क्योंकि अगर आप ठीक है देखिए पूरा इसको मिला देंगे। और लास्ट जो में जो हम लोग करते हैं कढ़ी में घी का छौंका लगाते हैं, जो काफ़ी टेस्टी लगता है फिर खाने में। इसको थोड़ा सा बॉईल कर देंगे कि नमक अच्छे से घुल जाए, डिजॉल्व हो जाए। और इधर देखिए उसना चावल बन रहा है, उसना चावल, अरवा चावल बिहार झारखंड के लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं उसना चावल। कल तो ब्लॉग नहीं आ पाया था, तो आज सोची कि नहीं आज ब्लॉग सुबह सुबह ही डालूंगी, क्योंकि कल मेरा भी तबीयत ठीक नहीं था, सिन्हा जी का तो तबीयत नहीं ठीक है, तो और कल थोड़ा हॉस्पिटल भी गई थी, इसके वजह से ब्लॉग नहीं आ पाया था। और देखिए अब ये कढ़ी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, अब इसमें क्या का छौंका लगाऊंगी वो भी आपको दिखाती हूँ। अब इसको हम कर देंगे बंद, देखिए कैसे उबल रहा है कढ़ी।
और कढ़ी में कढ़ी पत्ता भी डालते हैं हम लोग। ठीक है, ये कर दी मैं बंद। अब क्या करूँगी, घर का सारा चीज हटा के, ठीक है, कढ़ी को उतार दूंगी बाहर और स्टैंड पे, आई मीन टू से स्टैंड पे रख दूंगी। बहुत सुबह का टाइम बहुत ये हो जाता है, हैक्टिक होता है हर किसी के घर के लिए। देखिए स्टैंड लगाती हूँ, गरम गरम है तो, और इसको ऐसे करके रख दूंगी। दोनों हाथ से करने की ज़रूरत है इसलिए कैमरा थोड़ा नीचे करना पड़ा। अब देखिए, अब दिखाती हूँ। देखिए कढ़ी हो गया है रेडी, क्योंकि भारी हो जाता है कढ़ाई, हाथ टेढ़ा हो जाएगा चाहे कढ़ी गिर जाएगा, इसलिए कैमरा नीचे रख के तब कढ़ी को रखिए नीचे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, छौंका लगाएंगे, और छौंका लगाने के लिए जो मेरे पास है बड़ा वाला कलछुल है नॉन स्टिक, ये मैंने परचेज किया था बिग बाज़ार से, काफ़ी अच्छा है ये, आप भी अपने घर में यूज़ करने के लिए ले सकते हो। छोटा वाला में गिर जाता है तेल वगैरह चूल्हे पे, तो इसमें ये नहीं होता है। देखिए इसको ऑन कर दिए, अब इसको तेज फ्लेम में पूरा ये करेंगे, गरम करेंगे, और इधर राइस भी हो रहा है, राइस को भी बीच बीच में चला देंगे। देखिए उसना चावल, डेली यूज़ में उसना चावल खाना चाहिए, इसमें स्टार्च कम होता है, और बॉयल्ड राइस के तरह, मतलब होता है ना बॉयल्ड राइस खाना चाहिए। बॉयल्ड राइस में जितना भी इसमें स्टार्च होगा वो निकल जाएगा, और जो स्टार्च हमारे लिए इतना यूज़फुल नहीं होता है, इसको फैट बढ़ाता है, गैस करता है, ये सब करता है, इसीलिए ऐसे ही खाना चाहिए। और आज हमारा राशन भी आ जाएगा, क्योंकि मंथ एंड हो गया है, और उस टाइम हम लोग होली में चले गए थे घर, तो अभी सिन्हा जी अभी ही बोल रहे थे कि हम लोग राशन, मैं नंबर ना लिखवा दी हूँ, एक्चुअली जिधर हम लोग का ऑफिस है उसी साइड में ही राशन का भी दुकान है, होलसेल दुकान। तो जो मेरा ब्लॉग रांची में देख रहे हैं, जो पिस्का मोड़ में रहते हैं, वो लोग वहाँ से ले सकते हैं, काफी अच्छा शॉप है ना सिन्हा जी। अब इसमें क्या डालेंगे है ना, इसमें थोड़ा सा, देखिए कितना धुआं मार रहा है, इसको बंद कर देती हूँ, आग हो गया, देखिए आग हो गया, धुआं भी मार रहा है, रुक के अब इसमें डालूंगी, मतलब डाल ही देती हूँ। इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, आज सिन्हा जी का तबीयत नहीं ठीक है ना, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। तो गाइज आप लोग देख सकते हो, अब मैं इसमें डालूंगी जीरा, जीरा और मिर्ची, मिर्ची को तोड़ना भूल गई हूँ, इसको तोड़ूंगी पहले, ठीक है, अब इसमें डाल दूंगी, ठीक है। पता नहीं क्या हो गया, तबीयत लगता है खराब होने वाला है मेरा भी। अच्छा कुछ हुआ नहीं है एक्चुअली, उसके वजह से हो रहा है। अब इसमें डालेंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर, छौंक लग गया। अब देखिए इसमें क्या कमाल करना है, ठीक है, इससे ना कढ़ी का कलर जो होता है ना वो काफी अच्छा आ जाता है, और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। देखिए ये हमारी कढ़ी बनके हो गई है तैयार, और आपको डेकोरेशन के लिए, स्वाद के लिए धनिया पत्ता भी अगर डालने का मन है तो आप डाल सकते हो। तो ये थी हमारी ब्लॉग जिसमें हमने कढ़ी बनाते हुए, और आगे मैं दिखाऊंगी जब मैं मॉर्निंग वॉक जाती हूँ तो उसका भी मैं आपको दिखा दूंगी, इसमें ऐड कर दूंगी।
दोस्तों हमारा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोगों को प्लीज कमेंट करके बताना, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।